हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसके पहले वाले वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्वॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नियम भी कहते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम एंड द एटॉमिक नंबर। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, उसके बाद से जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर के बीच के रिलेशन को बताना शुरू किया। द एटॉमिक नंबर In Mendeleev's periodic table only indicated the serial number of element। अभी मेंडलीव पीरियडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर था वो एक सीरियल नंबर में ही एलिमेंट को डिनोट होता था। In 1913 AD, the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of the experiments done using X-ray tube that the atomic number Z of an element corresponds to the positive charge of an nucleus or the number of protons in the nucleus of an atom of that element। मीन्स हेनरी मोसले ने अपने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से प्रूव किया कि एटॉमिक नंबर मीन्स मतलब परमाणु क्रमांक जो होता है उसके केंद्रक में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, उसकी संख्या के बराबर होता है। This reveals that the atomic number is the more fundamental property of an element than its atomic mass। इससे लोगों को ये ध्यान में आया कि परमाणु द्रव्यमान की अपेक्षा तत्वों का प्रभावी गुणधर्म परमाणु क्रमांक ही है। Hence the statement of the modern periodic law was stated as follows: Properties of elements are a periodic function of their atomic numbers। मीन्स तत्वों के गुणधर्म ये उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। अगर शॉर्ट में बोला जाए तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में एटॉमिक मास नंबर की अपेक्षा एटॉमिक नंबर पे ज़्यादा महत्व दिया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल। मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। The classification of elements resulting from an arrangement of the elements in an increasing order of their atomic numbers in the modern periodic table। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों का जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे ही आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। The properties of elements can be predicted more accurately with help of the modern periodic table form on the basis of atomic numbers। मतलब परमाणु क्रमांक को आधार मानकर तैयार की हुई आधुनिक आवर्त सारणी के कारण ही तत्वों के गुणधर्मों के विषय में जो जानकारी प्राप्त हुई वो अचूक प्राप्त हुई। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज इन एन अकॉर्डेंस विद देयर एटॉमिक नंबर्स। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव्ड। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के अनुसार रखेगा, जिसके वजह से क्या हुआ, मेंडलीव की आवर्त सारणी की जितनी भी विषमताएँ थी वो सब दूर हो गई। बट द एम्बिग्युइटी ओवर द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट रिमूव्ड इवन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। परंतु हाइड्रोजन के स्थान के विषय में जो संदेह था वो आधुनिक आवर्त सारणी में भी दूर नहीं हुआ, वो भी संदेह वैसे का वैसे ही रहा। We have seen in the previous standard that the electronic configuration of atom, the way in which the electrons are distributed in the shell around the nucleus, it is determined by the total number of electrons in it, and the total number of electrons in an atom is same as the atomic number। पिछली कक्षा में हमने देखा है कि परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स परमाणु केंद्र के चारों विभिन्न कक्षाओं में वितरित किए जाते हैं। इस आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की कुल संख्या निश्चित की जाती है तथा परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। द रिलेशन बिटवीन द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज क्लियरली सीन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के बीच में रिलेशन दिखाई देता है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड द पीरियड्स 1 to 7। अभी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल रोज जो है 1 to 7 तक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, पीरियड्स हैं फ्रॉम 1 to 7. सिमिलरली द 18 वर्टिकल कॉलम इन द टेबल आर कॉल्ड एज अ ग्रुप 1 to 18. अब यहाँ पे वर्टिकल कॉलम में जो होते हैं फ्रॉम 1 to 18 उसको हम ग्रुप बोलते हैं. अभी आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं. अभी यहाँ पे 1 to 18 तक हाइड्रोजन से हीलियम तक टोटल 18 है, इसको हम ग्रुप बोलते हैं. नेक्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ पीरियड्स एंड द ग्रुप रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस. एटॉमिक नंबर्स आर सीरियसली इंडिकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉक्सेस. मीन्स एटॉमिक जो नंबर होता है वो बॉक्स के ऊपर साइड में लिखा जाता है. ईच बॉक्स करस्पॉन्ड टू द प्लेस फॉर द एलिमेंट्स. मीन्स एक बॉक्स एक एलिमेंट को डिनोट करता है. अपार्ट फ्रॉम दिस 7 रोज 2 रोज आर शोन सेपरेटली एट द बॉटम. अभी आप देख सकते हैं कि बॉटम पे लैथेनाइड और एक्टिनाइड ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है. is called as a lanthanide and actinide series. There are 118 boxes in the periodic table including 2 series. It means there are 118 place for the element in the modern periodic table. The entire periodic table is divided into 4 blocks. अभी पूरे periodic table को 4 blocks में divide किया गया है. S block, P block, D block and F blocks. The S ब्लॉक कंटेन्स द ग्रुप 1 and 2. अभी S ब्लॉक में कौन आते हैं, ग्रुप 1 and 2. अभी आपको पीरियोडिक टेबल में दिखाई दे रहा होगा 2 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप. हाइड्रोजन लिथियम फर्स्ट ग्रुप है, बेरिलियम मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप है. ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स. उसके बाजू में D ब्लॉक एलिमेंट्स है और उधर P ब्लॉक एलिमेंट्स है. क्लियर है. द ग्रुप 13 to 18 कॉन्स्टिट्यूट द पी ब्लॉक एलिमेंट. द ग्रुप 3 to 12 कॉन्स्टिट्यूट डी ब्लॉक एलिमेंट. वाइल द लैथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज एट द बॉटम ऑफ द एफ ब्लॉक. द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट. अ zigzag लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल. द 3 ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एलिमेंट कैन बी क्लियरली शोन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विथ हेल्प ऑफ दिस zigzag लाइन. द मेटेलाइट एलिमेंट लाइज अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ द zigzag लाइन. ऑल द मेटल्स लाइज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द zigzag लाइन वाइल द Non-metals lies on the right side of the periodic table. अभी जो zigzag line है, zigzag line के ऊपर जितने भी elements आते हैं वो सब metalloids हैं और zigzag के right side में जितने लोग हैं वो सब non-metals हैं और zigzag के left side में जितने लोग भी आते हैं वो सब metal हैं. तो ये zigzag line 3 type of element को consider करता है. Next हमारा है modern periodic table and electronic configuration of elements. Within a period, the neighboring elements differ slightly in their properties, while distant elements differ widely in their properties. अभी पीरियड में क्या होता है, जितने भी बाजू वाले एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. बट अगर ज़्यादा डिस्टेंस है 2 एलिमेंट के बीच में तो उनकी प्रॉपर्टी ज़्यादा ही डिफरेंट हो जाती है. एलिमेंट इन द सेम ग्रुप शो द सिमिलैरिटी एंड द ग्रेजुएशन इन देयर प्रॉपर्टी. अगर एक ही ग्रुप के हैं तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है. This characteristic of the groups and the periods in the modern periodic table are because of the electronic configuration of elements. Next one, groups and electronic configuration. You will find the number of valence electron in all these elements from the group 1, that is the family of alkali metal, is the same. अभी आप देख सकते हैं कि group 1 में जितने भी मेटल एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम है. अभी इनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो सभी के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है. सिमिलरली इफ़ यू लुक एट द एलिमेंट्स फ्रॉम एनी अदर ग्रुप यू विल फाइंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टू बी द सेम. अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एलिमेंट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम का, बिलोंग टू द ग्रुप 2. अब ये 2 ग्रुप सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करते हैं, दैट इज द फैमिली ऑफ अल्कनी अर्थ मेटल. देयर आर द 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल. अब इनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सेम है सभी में. सिमिलरली देयर आर द 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट सच एज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन फ्रॉम द ग्रुप 17. अभी ग्रुप 17 में हेलोजन ग्रुप बोलते हैं जिससे जितने भी आते हैं उनके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट इज द फैमिली ऑफ हेलोजन. वाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद इन एनी ग्रुप द इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट्स एडेड एट अ टाइम. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप. However, as we go down, the number of cells goes on increasing. अभी जैसे जैसे हम लोग नीचे डाउन होते जाएंगे ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे इनकी नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा. नेक्स्ट वन, पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. अब यहाँ पे हम पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में क्या रिलेशन है देखते हैं. यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ डिफरेंट इन दिस एलिमेंट, हाउएवर द नंबर ऑफ सेल्स इज़ द सेम. अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे लेकिन उनका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिफरेंट होता है. यू विल ऑल्सो फाइंड दैट द वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट within the period the atomic number increases by 1 at a time and the number of valence electron also increases by 1 at a time. अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं पीरियड्स में तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता था एक नंबर से और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होता था. अभी हम लोग चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने एग्जांपल जो लिया है पीरियड टू का एग्जांपल लिया है. पीरियड टू में आप देख सकते हैं कि लिथियम 2,1, बेरिलियम 2,2, बोरान 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5, ऑक्सीजन 2,6, फ्लोरीन 2,7 एंड नियॉन 2,1. एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल. अब यहाँ पे टोटल 4 टाइप के सेल्स होते हैं, सेल के, सेल एल, सेल एम एंड सेल एन. तो के सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, सेल एल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, सेल एम में टोटल 18 एंड सेल एन में 32. तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखने वाले हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.